क्या आपने कभी वॉशिंग मशीन में जैकेट को वॉश किया है? अगर नहीं वॉश किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। मोस्टली हम सभी जैकेट को ज़्यादातर ड्राई क्लीन कराते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। बार बार ऊनी जैकेट को ड्राई क्लीन कराना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो अब हम कितनी भी नई जैकेट हो, बिना इसकी चमक गए हुए हम घर में बहुत ही आसानी से वॉशिंग मशीन में वॉश करेंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक जैकेट ली हुई है, आप एक साथ दो जैकेट भी वॉश कर सकते हैं। ये देखिए, इसके जो बाजू है इसके किनारे बहुत ज़्यादा मैल जमी हुई है। जैकेट में बाजू में और जो जिप लगी हुई होती है उसके साइड में जेब के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा मैल जमा हो जाती है, जिसे क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो चलिए हम वॉशिंग मशीन की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन में एक बाल्टी गुनगुना पानी डाल दिया है। पानी नॉर्मल नहीं लेना है, थोड़ा सा गुनगुना रहेगा तो बहुत अच्छे से बहुत क्विकली साफ हो जाती है। वॉशिंग मशीन में मैंने डेढ़ बाल्टी गर्म पानी डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इजी लिया है, इजी ना हो तो आप शैम्पू से भी इसे वॉश कर सकते हैं। दो चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऊनी कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसके लिए हमें इसमें कोई भी डिटर्जेंट नहीं डालना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने जैकेट को इसमें डाल दिया है और अपने आप ही ये सारा सोक कर लेगी, क्योंकि मैंने इसका जो टाइमर था उसको ऑन कर दिया है एक मिनट के लिए। हाँ, जैकेट को भिगाने के पहले इसकी आप जिप अच्छे से बंद कर दीजिएगा और इसके पैकेट को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी नुकीली चीज़ वगैरह नहीं रहना चाहिए। अब इसे हम करीब 25 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए इसी तरीके से सोक रहने देंगे और बीच में एक दो बार इसे अलट पलट देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए, मतलब कि अच्छे से भीग जाए। अगर बहुत ज़्यादा जैकेट गंदी है तो आप इस तरीके से धीरे धीरे इसे हाथ से रब कर सकते हैं, बट कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम वॉश करेंगे। तो हमने क्या किया है, क्योंकि ऊनी कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसे मैंने जेंटल पर ही कर दिया है और इसे फुल पर यानी कि 15 पर मैंने सेट कर दिया है। 15 मिनट के बाद मैं इसे चेक करती हूँ, 15 मिनट बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि एक बार में अच्छे से नहीं क्लीन हो पाई है तो आप इसे 15 मिनट के लिए फिर से सेट कर दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। चलिए हम 15 मिनट का वेट करते हैं। टाइमर मैंने दो बार सेट किया, करीब 30 मिनट ये अच्छे से वॉश हो गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो ड्रायर वाला सेक्शन है इसको बिना पानी में खंगाले ही हम इसमें ड्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, जैकेट की जो झाग है बहुत अच्छे से निकल जाएगी और इसमें जो ऊपर पानी के स्पॉट दिखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और हमें बहुत ज़्यादा खंगालना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैकेट को हमें बहुत ज़्यादा उठा उठा करके खंगालना नहीं चाहिए, उससे उसके कंधे वगैरह लटक जाते हैं, यानी कि देखने में वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमने क्या किया है, ये देखिए, इसी तरीके से मैंने इसे ड्राई कर लिया है, सारा पानी बाहर निकाल दिया, उसके बाद मैं इसे खंगालूंगी। दो मिनट स्पेन करने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे से ड्राई हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने खंगालने के बाद इसे सुखाया हुआ है। जैकेट में कहीं भी झोंक के स्पॉट नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसे 2 से 3 बार पानी में खंगाल लेंगे। बस टब में हमें पानी लेना है और इसे डुबोना है, फिर पानी निकाल देना है, फिर से पानी लेना है, इसे डुबाना है और पानी निकाल देना है, इसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 2 ही बार में बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है, बिल्कुल पानी क्लीन दिखाई दे रहा है। अब आप चाहें तो इसे पट्टे वगैरह पे ऐसे ही रख सकते हैं कुछ देर के लिए, या फिर इसे ड्रायर में 1 मिनट के लिए फिर से ड्राई कर सकते हैं। ठंडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह निकलती नहीं, तो इसे मैंने 1 मिनट के लिए फिर से ड्राई कर लिया है। और इसके बाद हमें इसे उल्टा कर लेना है और ऊपर किसी चद्दर पे या फिर किसी रेलिंग वगैरह पे डाल देना है, मैं इसे हैंगर में टांग कर नहीं सुखाना है। जैकेट का बहुत ज़्यादा पानी तो वैसे भी सूख गया है, इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 घंटे में बहुत आसानी से सूख जाती है। तो इसी तरीके से आप महंगी से महंगी जैकेट को आसानी से घर पर वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।